नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्ट्रेट जीरो चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऑसम लेक्चर हमारे मध्य प्रदेश डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट की सीरीज में। दोस्तों, ये इस सीरीज का 16th लेक्चर है। इससे पहले मैं इस सीरीज में 15 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ और आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जबलपुर डिवीजन के बारे में। दोस्तों, इससे पहले के ये जो जबलपुर डिवीजन है वो हमारा 10th और लास्ट डिवीजन है। इससे पहले सारे हम जो भी डिवीजन्स आते हैं एमपी में उन सबको कवर कर चुके हैं। यहाँ पे जो हम एमपी के डिवीजन्स या डिस्ट्रिक्ट को कवर कर रहे हैं उनको हम उनके बारे में फैक्ट्स या जो भी कोई इंपॉर्टेंट डेटा है उसको याद करने की कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मैप प्लस माइंड मैप्स एंड पिक्चर्स की मदद से। नाउ हैविंग सेड दैट, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों, ये जो सीरीज है वो स्पेशली डिजाइन की गई है एमपीपीएससी के एस्पायरेंट्स के लिए और उन्हीं की प्रिपरेशन नीड को ध्यान में रखकर ये मैं सीरीज डिजाइन कर रहा हूँ। स्पेशली तो ये एमपीपीएससी के एस्पायरेंट को प्रीलिम्स के एग्जाम में मदद करेगी, जो प्रीलिम्स 2019 में एग्जाम होगा उसके लिए। उसके अलावा ये आपको उतनी ही मदद करेगी आपके मेंस के एग्जाम में। इसमें बहुत सारे ऐसे डेटा और इन्फॉर्मेशन है जो आप अपने मेंस के एग्जाम में भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी ऐसा व्यूअर जो किसी और एग्जाम के लिए, मतलब एमपी गवर्नमेंट के किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, वो भी इन लेक्चरों से फायदा उठा सकता है। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर अभी भी किसी भी एस्पायरेंट को कुछ जो प्राइवेट वीडियोज होते हैं उनको एक्सेस करने में अगर कोई इश्यू हो रहा है तो वो मुझे फ्रीली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इन नंबर्स पर। तो अगर कोई मॉक टेस्ट पेपर देने में परेशानी हो रही है या फिर पीडीएफ एक्सेस करने में परेशानी हो रही है तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इस स्लाइड पर आप मेरे बारे में जान सकते हैं। मेरा नाम है आलोक गुप्ता, मैंने मैनेट भोपाल से ग्रेजुएशन किया हुआ है और मैं 2 बार यूपीएससी मेंस का एग्जाम भी लिख चुका हूं। तो यही मेरी कोशिश है कि जो भी मेरा लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है, जो भी मैंने नॉलेज गेन किया है, वो आपके संग शेयर की जाए सो दैट आप भी उसका फायदा उठा सके और ज्यादा से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करें अपने एग्जाम में और एक सक्सेसफुल कैंडिडेट के तौर पे उभर सके। सो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस स्लाइड पर आप देख रहे हैं एमबीपीएससी GS1 का सिलेबस, जो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, तो उसके लिए आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है उन सब की जानकारी आपको सिलेबस से पता होती है। वैसे तो ऑलरेडी आपको पता होगा, लेकिन जो फर्स्ट टाइम व्यूअर्स हैं या जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देने वाले हैं एमपीपीएससी का, तो प्लीज आप एक बार सिलेबस को देख लीजिए सो दैट आपको एक फेयर आइडिया लग जाए कि आपको अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है और आपको क्या पढ़ना है। ओके, सो प्लीज गो थ्रू दी सिलेबस एटलीस्ट वंस। दोस्तों, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आई जस्ट वॉन्ट टू से थैंक यू टू ऑल दोज एस्पायरेंट्स या ऑल दोज व्यूअर्स जिन्होंने इस चैनल या इस इनिशिएटिव को सपोर्ट किया है। सो थैंक यू वेरी मच। उसके अलावा दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप लोगों के लर्निंग एक्सपीरियंस को और ज्यादा एनहांस करने के लिए प्लस सारे डेटा को एक ही जगह अवेलेबल करवाने के लिए हम लोगों ने कोशिश की है कि एक वेबसाइट डेवलप की जाए। तो ये www.streetzero.in करके एक वेबसाइट डेवलप की है। अभी इसमें सारी चीजें स्ट्रीमलाइन नहीं हुई है, ये अंडर डेवलपमेंट है, तो बट बहुत ही जल्द आने वाले करीब 5 या 10 दिन में इस वेबसाइट को प्रॉपरली डेवलप कर दिया जाएगा, तो आप सारे डेटा को बहुत प्रॉपरली एक्सेस कर पाएंगे प्लस हमें कॉन्टैक्ट भी कर पाएंगे। स्टिल आप इसको जाके अभी विजिट तो कर ही सकते हैं। उसके अलावा आप लोग मॉक टेस्ट पेपर्स वगैरह की प्रैक्टिस करते रहिए। आपको पता होगा एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है और जो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा वो अप्रैल महीने में होगा, तो प्लीज आप जोर शोर से अपनी मेहनत करते रहिए और मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि आपकी ज्यादा से ज्यादा मदद कर सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सो लेट्स स्टार्ट। चलो भाई, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं एमपी के डिवीजन्स के बारे में। टोटल कितने डिवीजन है एमपी में? 10 डिवीजन है, ठीक है। और अगर हम सेंसस 2011 के हिसाब से चलें तो एमपी में 50 डिस्ट्रिक्ट थे। 2013 में अगर मालवा बना तो 51 डिस्ट्रिक्ट हो गए और अब हमारे यहाँ 2018 में एक और डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है तो अब 52 डिस्ट्रिक्ट हो गए। 52nd डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? निवारी। तो ये तीन अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं। एस ऑफ 2018 कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 52। अगर हम बात करें क्या कहते हैं 2011 के सेंसस में कितने डिस्ट्रिक्ट थे, तो थे 50। और 2013 में एक और बन गया था जिसका नाम है अगर मालवा। तो अभी तक हम सारे डिविजन्स को कवर कर चुके हैं एक्सेप्ट वन, दैट इज जबलपुर, और जबलपुर को आज हम कवर करेंगे। जबलपुर के ऊपर दोस्तों, ये हमारा पहला लेक्चर है, इसके ऊपर इन ऑल में 3 लेक्चर बनाऊंगा जबलपुर डिवीजन के ऊपर। आज के लेक्चर में हम 2 डिस्ट्रिक्ट कवर करेंगे। सो दिस इज योर जबलपुर डिवीजन, दिख रहा है आपको इसकी लोकेशन। सो दिस इज योर जबलपुर। तो जबलपुर डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर जाने से पहले बात कर लेते हैं जबलपुर डिवीजन के बारे में। जबलपुर डिवीजन का जो हेडक्वार्टर है वो जबलपुर सिटी है, मतलब जबलपुर डिवीजन भी है एक, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट भी है और जबलपुर एक सिटी भी है। तो जो जबलपुर डिवीजन है उसका अगर हेडक्वार्टर की बात करें सो दैट इज जबलपुर। जबलपुर डिवीजन जो है वो ओरिजिनली बनाया गया था जबलपुर
डिवीजन, ये आप नाम देख रहे हैं जबलपुर या जबलपुर, जो भी आप इसको पढ़िए, तो जबलपुर डिवीजन ऑफ द सेंट्रल प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 1861। तो जो पहले सेंट्रल प्रोविंस थी 1861 में, जब इंडिया आजाद भी नहीं हुआ था, तब एक ये जबलपुर डिवीजन हुआ करता था। 2005 में इस डिवीजन में 8 डिस्ट्रिक्ट थे। उन डिस्ट्रिक्ट के नाम क्या हैं? एक है बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर, सिवनी एंड डिंडोरी। तो ये 8 हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये रहा कटनी, जबलपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर एंड छिंदवाड़ा। आज हम बात करेंगे सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट के बारे में, और आने वाले अगले लेक्चरों में रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में बात करेंगे। शुरू करते हैं आज का लेक्चर विद जबलपुर डिस्ट्रिक्ट के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। तो भाई जबलपुर डिवीजन में जो जबलपुर डिस्ट्रिक्ट है, सबसे पहले तो उसकी लोकेशन पे थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। तो ये रहा आपका जबलपुर डिस्ट्रिक्ट, दिख रहा है आप लोगों के लिए। सो दिस इज योर जबलपुर डिस्ट्रिक्ट। इसका जो टोटल एरिया है वो है 5211 स्क्वायर किलोमीटर, और ये हमारे एमपी के एक तरीके से जो हार्ट की लोकेशन होती है ना, उस हार्ट की लोकेशन पे बना हुआ है। पॉपुलेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, सो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात कि अगर हम बात करें जबलपुर रीजन की, तो वहाँ पे गारमेंट इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फूली हुई है, मतलब बहुत ही ज़्यादा लीडिंग इंडस्ट्री माना जाता है गारमेंट इंडस्ट्री को। उसके अलावा कुछ और इंडस्ट्रीज भी है जबलपुर में, जैसे कि बीडी की इंडस्ट्री है, लाइमस्टोन की इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। उसके अलावा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है यहाँ पे, एंटी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट भी है यहाँ पे, होल्ड दी प्राइम इंपॉर्टेंस इन टर्म्स ऑफ अर्निंग रेवेन्यू। तो ये सारी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज हैं। तो अगर ऐसा कोई आता है कि जबलपुर डिवीजन के ऊपर लिखी है, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर लिखी है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस रीजन में कौन सी इंडस्ट्री है, किस रीजन में कौन सी फैक्ट्रीज हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम टूरिस्ट साइट की बात करें, तो यहाँ पे जैसे मदन मोहल, मदन महल है, मदन महल फोर्ट। उसके अलावा धुआंधार वाटरफॉल है, बेड़ा घाट एंड तिलवारा घाट, ठीक है। तो ये सारी यहाँ पे जगह है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। आगे चलते हैं, कुछ जबलपुर से रिलेटेड और कुछ डिटेल के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहली बात, तो जबलपुर का नाम आया तो आया कहाँ से? जबलपुर का नाम आया है ज्वाली सेज के ऊपर, ज्वाली सेज के ऊपर आया है, ठीक है। तो ये नाम प्लीज अच्छे से याद रखिए। और ये ज्वाली जो सेज हुआ करते थे, ये उनकी तपोभूमि थी, मतलब यहाँ पे वो एक तरीके से पूजा अर्चना या तपस्या वगैरह करते थे। तो ज्वाली जो सेज थे, ऋषि थे, उनके ऊपर इस जगह का नाम रखा गया जबलपुर। पॉपुलेशन, एरिया, डेंसिटी, लिटरेसी, सेक्स रेशियो, ये सारी चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोगों को कई बार मैं बता चुका हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है विच इज द मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, और विच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी एरिया वाइज, या फिर ये पूछ सकते हैं विच इज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, विच इज द मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। तो जबलपुर एक ऐसी जगह है कि जो मोस्ट लिटरेट में ही आती है आपकी, मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। बाकी इसके बारे में मैंने जब आपको सेंसस 2011 पढ़ाया था इकोनॉमी की सीरीज में, तो आप वहां पे इसको और अच्छे से जान सकते हैं। जो मेन काम की बात जानने वाली है वो है ब्लॉक्स या तहसील। तो टोटल यहाँ पे कितनी तहसील है? 7 तहसील है, और उनके क्या नाम है वो देख लेते हैं। एक है जबलपुर ब्लॉक, फिर उसके अलावा है पानगर, शाहपुरा, सिहोरा, मझोली, पातन एंड कुंदम, ठीक है। तो ये 7 ब्लॉक से, इनकी आप देख सकते हो लोकेशंस। तो आपको मैंने जैसे बताया मझोली, फिर उसके अलावा आपको बताया सिहोरा, पतन, पानगर, कुंदम, जबलपुर, शाहपुरा। अगर इसकी बाउंड्रीज की बात करें, तो ऊपर आता है आपका दमोह, यहाँ पे है कटनी, यहाँ पे डिंडोरी, ये मंडला, ये सिवनी और ये नरसिंहपुर। क्लियर है सारी चीजें? तो चलिए अब आगे चलते हैं। सम मोर डेटा अबाउट दी जबलपुर डिस्ट्रिक्ट। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तो जबलपुर ही है, लेकिन पॉपुलेशन, ग्रोथ, सेक्स रेशियो, लिटरेसी, एरिया डेंसिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल आप इनको पढ़ सकते हैं। अगर तहसील की बात करें तो ऑलरेडी टोल्ड यू। लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी तो एक एमपी की सीट होती है, और वो सीट है जबलपुर। अगर एमएलए की सीट्स की बात करें, तो बहुत सारी एमएलए की सीट्स हैं, जैसे कि पातन, बरगी, जबलपुर पूर्व जो कि एससी के लिए रिजर्व है, जबलपुर उत्तर, जबलपुर सेंट्रल, जबलपुर पश्चिम एंड पानगर, सिहोरा जो कि एसटी के लिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो ये सारी एमएलए की सीट्स हैं। अगर हम लैंग्वेजेस की बात करें, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बाघेली हिंदी और भारिया बोली जाती है। कौन कौन सी लैंग्वेजेस है, लिख देता हूं यहाँ पे एक बार, बाघेली हिंदी एंड भारिया, ठीक है।
तो ये सारी लैंग्वेजेस यहाँ पे बोली जाती हैं। उसके अलावा अगर नदियों की बात करी जाए तो नर्मदा और सोन नदी यहाँ से बहती है। कौन कौन सी? नर्मदा और सोन नदी जो कि यहाँ से बहती हैं। उसके अलावा अगर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात करें तो देखो लैटिट्यूड होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो वो है आपकी 23.4 नॉर्थ, एवरेज लाइन बता रहा हूं। और लॉन्गिट्यूड की बात की जाए तो दैट इज 80 ईस्ट, ठीक है। तो 23.4 नॉर्थ एंड 80 ईस्ट। अगर ट्रेवल डेस्टिनेशन की बात करें तो जैसे मदन महल फोर्ट है, रानी दुर्गावती का म्यूजियम है, फिर है पिशन हरी की मढ़िया, चौसठ योगिनी टेम्पल, त्रिपुर सुंदरी टेम्पल, दुमना नेचर पार्क, बरगी डैम, धुआंधार, बेड़ा घाट, तो ये सारी लोकेशन है यहाँ पर। उसके अलावा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज भी हैं यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये वाली आप याद रखना, रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी। तो रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? ये आपकी जबलपुर में है। उसके अलावा जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों ही की दोनों आपकी कहाँ पे है? जबलपुर में। तो बस ये दोनों नाम याद रखना, बाकी के इतने कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार नजर आप मार ही सकते हैं, ठीक है। तो एक बार आप इसको डिटेल में देख लो, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है। देखिए जबलपुर नेहरू गवर्नमेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा की इन्फॉर्मेशन भी आपको अब क्लियर दिख रही होगी। अच्छा, अब हम इसके मैप में थोड़ी सी डिटेल देखते हैं जो हमारे काम की है। जैसे कि यहां से हमारा नेशनल हाईवे 30, नेशनल हाईवे 34, नेशनल हाईवे 45 दिख रहा है आप लोगों को, नेशनल हाईवे 45, 34 एंड 30। उसके अलावा अगर हम स्टेट हाईवे की बात करें तो स्टेट हाईवे 22 जा रहा है यहाँ से आपका, और 48 मैप में दो दिख रहे हैं पर और भी होंगे, जैसे स्टेट हाईवे 37 है, स्टेट हाईवे 37 ए है, ठीक है। अब अगर हम नदियों की बात करें तो जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से निकलती है हिरन नदी, उसके अलावा नर्मदा नदी अभी मैंने आपको बताया था, तो ये दो नदी दिख रही है। उसके अलावा यहाँ पे देखिए ये रहा आपका बरगी डैम या बरगी रिजर्वायर जो सिवनी मंडला और जबलपुर के बीच में बना हुआ है। यहाँ पे ये रहा आपका रॉबर्टसन लेक, क्लियर है, रॉबर्टसन लेक। और ये बॉर्डर्स आपको ऑलरेडी बता दिए हैं मैंने, दमोह, कटनी, चिंदौरी, मंडला, नरसिंहपुर एंड सिवनी। तो एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ, ये हिरन नदी रही, ये नर्मदा नदी, नेशनल हाईवे 45, नेशनल हाईवे 34, नेशनल हाईवे 30, स्टेट हाईवे 37, 37A, 22, रॉबर्टसन लेक, उसके अलावा यहाँ पे नर्मदा नदी, बरगी डैम। तो आई होप नाउ एवरीथिंग इज वेरी वेरी मच क्लियर टू यू। अब हम बात करते हैं जबलपुर जो डिस्ट्रिक्ट है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट विद द हेल्प ऑफ माइंड मैप। माइंड मैप में आपको कौन कौन से फैक्ट बनाने हैं? एक साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, और एक कुछ स्पेशल इफेक्ट्स। तो स्पेशल फैक्ट में क्या है, जैसे कि जबलपुर का नाम आया ज्वाली ऋषि के ऊपर, ज्वाली ऋषि की ये तपोभूमि है। उसके अलावा जबलपुर जो रीजन है उसको पहले महाकौशाल भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? महाकौशाल, क्लियर हो गया। उसके अलावा अगर साइंस के फैक्ट की बात की जाए तो यहाँ पे हैवी व्हीकल फैक्ट्री है। उसके अलावा एमपी का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो जबलपुर से ही लिया जाता है, एमपी का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो जबलपुर की जो लोकेशन है उसी से लिया जाता है। किसी भी लोकेशन का टाइम वहां का लॉन्गिट्यूड डिसाइड करता है, क्या डिसाइड करता है? लॉन्गिट्यूड। तो जो जबलपुर का लॉन्गिट्यूड है वही एमपी का टाइम भी, एमपी का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो डिसाइड करता है। उसके अलावा गन कैरेज एंड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है जबलपुर के, कौन सी जगह पे? खमरिया नाम की एक जगह है, वहां पे गन कैरेज एंड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, मतलब जहां पे गोली पिस्तौल बंदूक वगैरह बनाई जाती है गवर्नमेंट की द्वारा से। पॉलिटी के फैक्ट की बात की जाए तो महात्मा गांधी कम्युनिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर कहां पे है? जबलपुर में है। जबलपुर को ज्यूडिशियल कैपिटल बोला जाता है एमपी की, ज्यूडिशियल कैपिटल, जैसे फाइनेंशियल कैपिटल इंदौर है वैसे ही ज्यूडिशियल कैपिटल है जबलपुर। हिस्ट्री के फैक्ट की बात की जाए तो एक एनसीसी का वुमेन के लिए ट्रेनिंग कॉलेज है, वो कहां पे है? जबलपुर में। तो एनसीसी का वुमेन ट्रेनिंग कॉलेज इट इज इन जबलपुर। उसके अलावा जबलपुर को त्रिपुरी के नाम से जाना जाता था पहले, हिस्टोरिक टाइम में इसको किस नाम से जाना जाता था? त्रिपुरी, तो इसको त्रिपुरी हिस्टोरिक सिटी भी बोलते हैं। और ये जो त्रिपुरी जगह है वो उस टाइम पे कालचुरी डायनेस्टी, जिसको मैंने आपको हिस्ट्री में पढ़ाया, तो जो कालचुरी डायनेस्टी थी उसकी कैपिटल हुआ करती थी त्रिपुरी, और त्रिपुरी का नया नाम ही एक तरीके से जबलपुर है। अशोका ने बहुत सारे पत्थरों के ऊपर अपनी कुछ चीजें लिखवाई थी, ठीक है, तो उनको बोला जाता है अशोका इंस्क्रिप्शंस।
ये इंस्क्रिप्शन एक ऐसा ही इंस्क्रिप्शन पाया जाता है जबलपुर की रूपनाथ जगह पे, और वो रूपनाथ इंस्क्रिप्शन से बहुत ज्यादा फेमस है। जैसे कि एक और अशोका का इंस्क्रिप्शन जो कि दतिया डिस्ट्रिक्ट है वहां पे भी पाया जाता है, जिसका नाम है गुर्जरा इंस्क्रिप्शन, जहां पे अशोक का नाम भी लिखा हुआ है, सम्राट अशोक का। उसके अलावा जबलपुर को एमपी की कल्चरल कैपिटल भी बोला जाता है, कल्चरल कैपिटल यानी संस्कार धानी, तो जुडिशियल कैपिटल भी हो गया और कल्चरल कैपिटल भी हो गया। उसके अलावा यहाँ पे रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी और महर्षि महेश योगी यूनिवर्सिटी, दो यूनिवर्सिटी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से, महर्षि महेश योगी यूनिवर्सिटी और रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी। ब्लॉक्स ऑलरेडी बता चुका हूँ, पॉपुलेशन एंड एरियाज आर नॉट इम्पॉर्टेंट। आई होप एवरीथिंग इज वेरी मच क्लियर। एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, ज्वाली ऋषि का नाम याद रखना, महाकौशल हैवी व्हीकल फैक्ट्री, एमपी का स्टैंडर्ड टाइम, गन कैरेज एंड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, महात्मा गांधी कम्युनिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर, जुडिशियल कैपिटल, कल्चरल कैपिटल, अशोक का इंस्क्रिप्शन, रूपनाथ इंस्क्रिप्शन, त्रिपुरि जो कि कालचुरी डायनेस्टी की कैपिटल थी, वुमेन्स एनसीसी ट्रेनिंग कॉलेज, रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी एंड महर्षि महेश योगी यूनिवर्सिटी। क्लियर है? कुछ और जो फैक्ट हैं, क्योंकि जबलपुर एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है तो उससे रिलेटेड फैक्ट भी बहुत ज्यादा है। फिर से साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, हर माइंड मैप की सेम थीम है। तो साइंस का क्या फैक्ट है, एमपी का सबसे पहला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जबलपुर में ही बनाया गया था, और ये 1964 में बनाया गया था, जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। ठीक है ना, तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था ये यूनिवर्सिटी बहुत फेमस है, ये एमपी की, क्योंकि सबसे पहली फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी, मध्य प्रदेश की सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी जो कि 1964 में बनाई गई थी। उसके अलावा पॉलिटिकल इफेक्ट में देखा जाए तो मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो एस्टेब्लिश जबलपुर में किया गया था 1956 में। और अगर हम बात करें करंट में मध्य प्रदेश के जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम है संजय कुमार सेठ। क्या नाम है उनका? संजय कुमार सेठ। इनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया है तो इसके ऊपर क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। संजय कुमार सेठ का नाम याद रखना। संजय कुमार सेठ से पहले चलिए ये बताइए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के कौन चीफ जस्टिस थे? एक क्वेश्चन आप ये बताओगे संजय कुमार सेठ से पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम। दूसरा क्वेश्चन आप ये बताओगे, जैसे मध्य प्रदेश की जो प्रिंसिपल बेंच है मतलब मेन हाई कोर्ट है वो तो जबलपुर में है, लेकिन इसकी दो रीजनल बेंचेस भी हैं, जहां पे मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट लगता है उसकी दो रीजनल बेंच है, वो दो रीजनल बेंच कहां कहां पर है? ये सेकंड क्वेश्चन है आपका। पॉलिटी का एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, आप महात्मा गांधी जो हमारे फादर ऑफ नेशन है उनकी अस्थियां जो हैं वो अब विसर्जन करते हैं ना, मतलब पानी में डालते हैं, तो ऐसा ही विसर्जन किया गया था तिलवरा घाट में, ठीक है, जो कि नर्मदा नदी के तट पर है। क्या है नाम? तिलवरा घाट। इस घाट, ये जो घाट है ये नर्मदा नदी के तट पे बना हुआ है, और यहीं पे महात्मा गांधी की अस्थियों को वो विसर्जित किया गया था, यानी बहाया गया था। ये जो तिलवरा घाट है ये काफी फेमस हिस्टोरिक प्लेस है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये जबलपुर में ही है। तो क्वेश्चन दो तीन क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो ये पूछा जा सकता है तिलवरा घाट कहाँ पे है, या ये पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी की अस्थियां कहाँ विसर्जित की गई थी, या ये पूछा जा सकता है तिलवरा घाट किस नदी के तट पे बना हुआ है। तो ये देखो, ये रहा तिलवरा घाट, ये रहा महात्मा गांधी, और ये रहे रिवर नर्मदा। क्लियर है? उसके अलावा 1939 में आपको पता होगा आजादी से पहले हमारे देश की सबसे मेन ऑर्गेनाइजेशन थी कांग्रेस। तो कांग्रेस के हर साल के दिसंबर महीने में एक एनुअल सेशन होता था जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बार पूछा जाता है। तो 1939 में जो एक सेशन हुआ था वो कहां पे हुआ था? तिरुपुरि सेशन के नाम से फेमस है, यानी वो जबलपुर में ही हुआ था। अब आपका क्वेश्चन ये है, तिरुपुरि सेशन को किसने प्रिसाइड किया था, मतलब उसकी अध्यक्षता किसने की थी? 1939 तिरुपुरि सेशन जो कांग्रेस का हुआ था उसकी अध्यक्षता यानी प्रिसाइड किसने किया था? कुछ टूरिस्ट प्लेसेस भी हैं एमपी में, जैसे कि मदन महल, 64 योगिनी टेम्पल। मदन महल को बनाया गया था 1116 में, 64 योगिनी टेम्पल है यहाँ पे, पिशन हरी की मढ़िया और माला देवी का टेम्पल। इसके अलावा जबलपुर में स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, और उसके अलावा एक ट्रेनिंग सेंटर है फॉर रीजनल प्रोग्राम, ट्रेनिंग सेंटर फॉर रीजनल प्रोग्राम, ये दोनों ही चीजें जबलपुर में है। उसके अलावा हमारे देश का सबसे पहला वोकेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर, वोकेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर हैंडीकैप्ड, ये भी जबलपुर के नेपियर टाउन में है। जबलपुर में एक टाउन है जिसका नाम है नेपियर टाउन, तो वहाँ पे जो थोड़े से क्या कहते हैं
स्पेशली चैलेंज होते हैं, दिव्यांगजन होते हैं, तो उनके लिए जो वोकेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर है वो नेपियर टाउन में है। ये हमारे देश का ऐसा पहला सेंटर था। उसके अलावा हमारे एमपी का सबसे ज़्यादा लिटरेट वाला कोई अगर डिस्ट्रिक्ट है तो वो है जबलपुर डिस्ट्रिक्ट। ये हमें 2011 सेंसस के हिसाब से पता चलता है। उसके अलावा भेड़ाघाट धुआंधार वाटरफॉल, वो भी जबलपुर के ही रीजन में आता है और ये काफ़ी फेमस है अपने वाइट लाइमस्टोन के लिए। पोस्ट एंड टेलीग्राम वर्कशॉप भी है जबलपुर में। सो दीज आर दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट विच यू नीड टू रिमेंबर फॉर योर एग्जाम। एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ। तो ये देखिए एमपी में क्या है, एमपी में सबसे पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इट इज इन जबलपुर, एमपी का हाई कोर्ट और इसके चीफ जस्टिस का नाम है संजय कुमार सेठ, तिलबरा घाट याद रखना, तिरुपुरी सेशन याद रखना, मदन महल, 64 योगी टेम्पल, पिशन हरी की मड़िया एंड माला देवी का टेम्पल, स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, देश का सबसे पहला वोकेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर हैंडीकैप्ड, उसके अलावा सबसे ज्यादा लिटरेट वाला डिस्ट्रिक्ट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर्कशॉप एंड बेड़ा घाट धुआंधार वाटरफॉल विच इज फेमस फॉर व्हाइट लाइमस्टोन। क्लियर है ये सारे फैक्ट? नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी ओके। तो अब ये जो जबलपुर के फैक्ट मैंने अभी आपको माइंड मैप की मदद से बताया, उसी का हम लोग लिस्ट व्यू देख रहे हैं, सो दैट आपको रिविजन करने में आसानी हो और याद भी हो जाए सारे फैक्ट। अच्छा, उसके अलावा यही सारे फैक्टों को हम पिक्चर की मदद से भी याद करेंगे। तो टूरिस्ट प्लेस जो मैंने आपको बताई, मदन महल, 64 योगी टेम्पल, पिशन हरी की मड़िया, माला देवी टेम्पल, भेड़ाघाट धुआंधार वाटरफॉल एंड व्हाइट लाइमस्टोन, हैवी व्हीकल फैक्ट्री, गन कैरेज एंड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एमपी में कहाँ पे है, हमारी है जबलपुर। एमपी का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो जबलपुर के लॉन्गिट्यूड से ही आता है। एमपी की कल्चरल कैपिटल यानी संस्कारधानी, ये रहा भेड़ाघाट मार्बल रॉक्स आप यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा धुआंधार वाटरफॉल का फोटो। सो प्लीज ट्राई टू रिमेंबर ऑल दीज फैक्ट विद द हेल्प ऑफ दीज पिक्चर्स। उसके अलावा मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो जबलपुर में ही है, जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 1956 में और इसके चीफ जस्टिस हैं संजय कुमार सेठ, इनके फोटो बड़ी मुश्किल से मिला मुझे ये। उसके अलावा जुडिशियल कैपिटल है मध्य प्रदेश की, रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी एंड महर्षि महेश योगी यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी कम्युनिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर, पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर्कशॉप, मध्य प्रदेश की पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि 1964 में बनवाई गई थी। कुछ और फैक्ट, तिरुपुरी हिस्टोरिक सिटी जो कि कालचुरी डायनेस्टी की क्या थी, कैपिटल, ये देखिए कालचुरी, ये चंडेलास, ये परमार्स, ये यादव, सोलंकीस, इन सबको हम लोगों ने हिस्ट्री वाले लेक्चर्स में कवर किया है, तो जिनको नहीं पता वो हिस्ट्री के लेक्चर देख सकते हैं। उसके अलावा तिरुपुरी सुंदरी देवी माँ टेम्पल, अशोका के इंस्क्रिप्शन पाए जाते हैं रूपनाथ वाली जगह पे, सबसे ज्यादा लिटरेट वाला डिस्ट्रिक्ट जबलपुर डिस्ट्रिक्ट, 1939 का कांग्रेस सेशन तिरुपुरी में हुआ था, वुमेन एनसीसी ट्रेनिंग कॉलेज इट इज इन जबलपुर। आगे चलते हैं, स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड ट्रेनिंग सेंटर फॉर रीजनल प्रोग्राम इट इज इन जबलपुर, सो प्लीज डोंट फॉरगेट दिस फैक्ट। उसके अलावा हमारे देश का सबसे पहला वोकेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर हैंडीकैप्ड इट इज इन नेपियर टाउन जबलपुर, महाकौशल वाला रीजन बोला जाता था, महात्मा गांधी की एशेज तिलबरा घाट में इमर्स की गई थी जो कि एक हिस्टोरिक प्लेस है और ये नर्मदा नदी के तट पर है जबलपुर में। गंगुआ एंड दुर्गावती सेंचुरी, क्या है नाम, गंगुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों भी आपके कहाँ पे हैं, जबलपुर में ही हैं, प्लीज डू रिमेंबर इट। ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का फोटो है और ये हैंडीकैप्ड लोगों के लिए जो वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है ये भी कहाँ पर है, जबलपुर में है। कुछ और फोटोज जैसे कि मदन महल जो कि बनवाया गया था 1116 में, सो दिस इज योर मदन महल, 64 योगिनी टेम्पल ये है आपका जबलपुर में। उसके अलावा पिशन हरी की मड़िया ये भी आपका जबलपुर में है, ये एक जैन टेम्पल है, क्या है, जैन टेम्पल है पिशन हरी की मड़िया इट इज इन जबलपुर, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट इट इज इन जबलपुर जो 1956 में बनाया गया था, इज दैट क्लियर। उसके अलावा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी जो कि 1956 में बनवाई गई थी एंड इट इज इन जबलपुर, ओके इट इज इन जबलपुर। उसके अलावा महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, ठीक है, महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय ये विजयनगर जबलपुर में है, लमती जबलपुर, प्लीज डू रिमेंबर इट। और ये जो बनवाई गई थी ये 1995 में एस्टेब्लिश की गई थी महर्षि महेश योगी वैदिक यूनिवर्सिटी। उसके अलावा जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जो मैंने बताया एमपी का सबसे पहला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी था, ये भोपाल जबलपुर में बनवाया गया 1964 में। उसके अलावा तिरुपुरी सुंदरी टेम्पल ये कहां पे, तिगवा विलेज जबलपुर, कहां पे, तिगवा विलेज जबलपुर, क्लियर है ये फैक्ट। आगे चलते हैं, उसके अलावा 24 अशोका इंस्क्रिप्शन रूपनाथ रॉक इंस्क्रिप्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया
कि अशोका के द्वारा बनवाए गए इंस्क्रिप्शन में से एक इंस्क्रिप्शन रूपनाथ में भी पाया जाता है, सो इट इज हेयर। उसके अलावा वेस्ट सेंट्रल रेलवे जो इंडियन रेलवेज है ना, उसके टोटल 16 जोन से हैं। 16 जोन में से जो एक जोन है वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन, वो कब, पहली बात तो वो एग्जिस्टेंस में कब आया, 1 अप्रैल 2003 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये इसका हेडक्वार्टर है आपके जबलपुर में, ठीक है। ये आता है आपका पूरा वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन का मैप जो है वो ये है। और ऐसे कितने जोन है रेलवे जोन है, 16 रेलवे जोन है जिनमें से एक वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन, और उसका हेडक्वार्टर कहां पे है, उसका हेडक्वार्टर है आपके जबलपुर में। क्लियर है, प्लीज ट्राई टू रिमेंबर दिस थिंग। उसके अलावा सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह होता है एक, तो अगर पेपर में ऐसा पूछा जाए सुभद्रा कुमारी चौहान का समारोह कहां पे होता है, ये होता है जबलपुर में। और सुभद्रा कुमारी चौहान काफी फेमस है, जिन्होंने एक कविता लिखी थी खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान की ही रचना है। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया जबलपुर जो है वो महाकौशल रीजन का पार्ट है, तो ये देखिए ये था, अगर पूरे एमपी के हम लोग अलग अलग रीजन देखें हिस्टोरिकल रीजन, तो ये देखिए ऊपर वाला ये है बुंदेलखंड रीजन, ये है महाकौशल रीजन, और ये आपका मध्य प्रदेश पहले वाला मध्य भारत टाइप, ठीक है। तो इसमें आपका यहां पर आ रहा है जबलपुर, क्लियर है, आई होप इट इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू। तो इसी के साथ हमारा जबलपुर डिस्ट्रिक्ट समाप्त होता है। अब हम बात करते हैं जबलपुर डिवीजन में एक और इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम है कटनी। क्या है नाम, कटनी। तो कटनी का एरिया 4,940 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, और ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आता है। ये रही कटनी की लोकेशन, कटनी की पॉपुलेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट। उसके अलावा कटनी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का कंप्लीट फ्यूजन देखने को मिलता है, मतलब एग्रीकल्चर भी है यहाँ पे और इंडस्ट्रीज भी है यहाँ पे, तो उसका परफेक्ट बैलेंस आपको एक तरीके से देखने को मिलता है। अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो यहाँ पे पैडी यानी राइस, वीट, ग्राम एंड पल्सेस बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। पैडी, वीट, ग्राम एंड पल्सेस बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। प्लीज मीन्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर ऑल दिस। अगर इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो यहाँ पे मुख्यतः कुछ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है, मतलब जो मिनरल्स की माइनिंग बहुत ज्यादा होती है यहाँ पे। उसके अलावा कुछ पल्सेस की मिल्स भी हैं यहाँ पे, तो ये दो टाइप की इंडस्ट्रीज मुख्यतः यहाँ पे देखी जाती है। सो दिस इज द इकोनॉमिक मैप ऑफ कटनी। अच्छा, अब अगर हम बात करें कटनी के बारे में कुछ और फैक्ट्स, तो कटनी को एस्टेब्लिश किया गया था 1998 में, जबलपुर से इसको निकाल के बनाया गया था। पहले ये जबलपुर का पार्ट था, ये देखिए ये जबलपुर है ना, तो जबलपुर में से इसको कार्व आउट किया गया था 1998 में। पॉपुलेशन, एरिया, डेंसिटी, लिटरेसी, सेक्स रेशियो, नन ऑफ देम आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ब्लॉक्स और तहसील की बात करें तो टोटल 7 तहसील है, जिनके नाम क्या है, मुरबाड़ा, विजय राघवगढ़, बहोरी बांध, धीमरखेड़ा, रीथी, बटबारा एंड बरही। प्लीज अगर मैंने कोई भी नाम को गलत प्रोनाउंस किया हो तो प्लीज एक्सक्यूज मी, प्लीज पार्डन मी माय प्रोनाउंसिएशन, दिस इज हाउ आई एम प्रोनाउंसिंग देम। हो सकता है लोकल लैंग्वेज में इसको कुछ और पढ़ते हो, तो प्लीज आप इसको माइंड नहीं करना। तो एक बार मैं आपको मैप भी दिखा देता हूँ सो देट आपको फेयर आइडिया लग जाए। ये देखिए ये आपका है कटनी, तो ऊपर इसके बॉर्डर में क्या है, पन्ना, यहाँ पे सतना, उमरिया, डिंडोरी, जबलपुर एंड दमोह, ठीक है। चलिए ये बताइए जो ये पन्ना है, पन्ना किस डिवीजन में आता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, पन्ना किस डिवीजन में आता है। अच्छा, अगर हम बात कर रहे थे कटनी के बारे में, तो कटनी के जो ब्लॉक्स या तहसील हैं, बहोरी बांध, रीथी, मुरबाड़ा, बटबारा बाड़ा, बरही, विजय राघवगढ़ एंड ये है आपका धीमरखेड़ा। क्लियर हो गया, तो ये यहाँ पे 7 तहसील है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू। आगे चलते हैं कटनी के बारे में कुछ और फैक्ट। हेडक्वार्टर कटनी ही है। पॉपुलेशन, ग्रोथ, सेक्स रेशियो, लिटरेसी, एरिया, डेंसिटी, नन ऑफ देम इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तहसील ऑलरेडी कवर्ड। लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है खजुराहो, तो जो खजुराहो जगह है, ठीक है, खजुराहो है, जो खजुराहो का एमपी होता है, मतलब जो खजुराहो की सीट पे बैठता है वही कटनी को भी देखता है, इज दैट क्लियर। लैंग्वेज अगर यहाँ पे एमएलए की सीट्स की बात की जाए तो बरबाड़ा जो एसटी के लिए रिजर्व्ड है, विजय राघवगढ़, मुरबाड़ा एंड बहोरी बांध। लैंग्वेज मुख्यतः यहाँ पे हिंदी बोली जाती है कटनी में। उसके अलावा यहाँ पे अगर नदियों की बात की जाए तो 2 नदियां बहती हैं यहाँ से, एक का नाम तो कटनी ही है और दूसरी का नाम है महानदी। कटनी एंड महानदी, दीज आर दी टू रिवर विच फ्लो थ्रू कटनी। उसके अलावा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो लैटिट्यूड है यहाँ का 23.7 नॉर्थ ऑन एन एवरेज,
और लॉन्गिट्यूड जो कि एक वर्टिकल लाइन होती है वो है आपका 80.3 ईस्ट। देखिए लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को एकदम याद नहीं करना है आपको, बस एक आइडिया होना चाहिए सो दैट पेपर में अगर आए, क्योंकि लास्ट दो बार से ऐसा हो रहा है कि लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए इनको जानना जरूरी है। अगर यहाँ पे ट्रेवल डेस्टिनेशन की बात करें तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया जैन जो रिलीजन होता है उसमें 24 तीर्थांकर होते हैं, तो उसी में से जो एक तीर्थांकर जिनका नाम है शांतिनाथ उनका स्टैचू यहाँ कटनी में बना हुआ है। उसके अलावा सिमेट्री ऑफ उलिया पीरम पीर पीरन पीर, ठीक है, एक तरीके से दरगाह कह लो सिमेट्री कह लो जो भी बोलते हैं, तो दरगाह है यहाँ पे किसकी, ओलिया पीरन पीरन पीर की। रूपनाथ टेम्पल है यहाँ पे, सीता कुंड है यहाँ पे, लक्ष्मण कुंड है, विजय राघव गढ़, तिगावन है यहाँ पे, तिगावन टेम्पल, बारा टेम्पल, सनगढ़ वैष्णव देवी मंदिर, सनगढ़ वैष्णव देवी मंदिर, इज दैट क्लियर। और यहाँ पे कोई गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अब हम इसके मैप पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं, तो चलिए ट्राई टू सी दी मैप। तो देखिए मैप में अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए एक लिपरी टैंक है यहाँ पे, ठीक है, जो कि एक तरीके से इरीगेशन सिस्टम होता है, तो लिपरी टैंक है यहाँ पे आप देख रहे हो, ये है आपके पन्ना और कटनी के बॉर्डर पे। उसके अलावा यहाँ पे बहुरी बांध टैंक है, ठीक है, और यहाँ पे बाणसागर लेक है जो इसके बॉर्डर पे है। तो ये तो हो गई लेक। नदियों की बात की जाए तो ये रही आपकी महानदी नदी, ठीक है, कौन सी नदी है, महानदी, और दूसरी है कटनी नदी जिसके बारे में यहाँ पे नहीं दिया गया है। उसके अलावा अगर नेशनल हाईवे की बात की जाए तो नेशनल हाईवे 30 एंड 43। स्टेट हाईवे की बात की जाए तो देखिए स्टेट हाईवे तो काफी है, जैसे 14 48 10 11 तो 10 11 14 एंड 48। क्लियर हो गया, तो बस यही इंफॉर्मेशन है जिसपे आपको बस ध्यान देने की जरूरत है, रेस्ट नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट। तो एक बार आपको फिर से बता देता हूं, लिपरी टैंक, बहुरी बंद टैंक, महानदी नदी, उसके अलावा बाणसागर लेक, नेशनल हाईवे 30 43, स्टेट हाईवे की बात करें तो 14, स्टेट हाईवे 11 10, ठीक है, और स्टेट हाईवे 48। सो दिस इज द डेटा विच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम दी दिस मैप। अब बात करते हैं कटनी के बारे में विद दी हेल्प ऑफ माइंड मैप। तो ये है कटनी का माइंड मैप, और आपको कौन कौन से डेटा याद रखने हैं, साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड हिस्ट्री। सबसे पहले शुरू करते हैं, और ये स्पेशल फैक्ट कि ये जो कटनी है वो जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से बनाया गया था 1998 में। कटनी को मार्बल सिटी या लाइम सिटी के नाम से भी जानते हैं, मार्बल सिटी या लाइम सिटी। पॉलिटी के फैक्ट की अगर हम बात करें तो देखिए पॉलिटी का फैक्ट तो सबसे इंपॉर्टेंट है, कमला जान का नाम। कमला जान कौन है, ये ट्रांसजेंडर है, ट्रांसजेंडर है, और ये हमारे देश की पहली ट्रांसजेंडर मेयर है, ठीक है, तो ट्रांसजेंडर मेयर बनने वाली ये सबसे पहली महिला है, और ये जो इलेक्टेड मेयर बनी थी, मतलब ये इलेक्ट होने के बाद ये मेयर बनी थी, और ये बनी थी कटनी से, कटनी जो टाउन है वहां की ये मेयर है, और ये बनी थी 2001 में, और इन्होंने क्या खिताब रचा था कि ये हमारे देश की सबसे पहली ट्रांसजेंडर मेयर थी। उसके अलावा एक और नाम याद रखना, स्लीमैन का, स्लीमैन ये ब्रिटिश टाइम के एक पर्सनैलिटी का नाम है, ठीक है, इनका पूरा नाम शायद कर्नल स्लीमैन था। इन्होंने जो ठगी होती थी, जैसे हाईवेज वगैरह पे जो ठग्स हुआ करते थे ना, ठग्स, तो ये ठग्स की जो प्रथा थी उसको एबोलिश करवाया था कर्नल स्लीमैन ने। अब आपसे इसका ही एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, ये बताइए ये जो कर्नल स्लीमैन थे ये किस गवर्नर के दौरान में आए थे, किस गवर्नर के दौरान ये जो फिडल प्रैक्टिस होती है या फिर ठगी प्रथा होती है ये एबोलिश हुई थी। आपको ऑप्शन दे देता हूं, गवर्नर जो उस टाइम पे गवर्नर हुआ करते थे उसमें से आपको ये बताना है कौन से गवर्नर हैं। तो आपके पहला ऑप्शन है गवर्नर जनरल उस टाइम पे थे बेंटिक, गवर्नर जनरल डलहौजी, या गवर्नर जनरल हेस्टिंग, ठीक है, ये तीन ऑप्शन है, इसमें से सही जवाब बताना कर्नल स्लीमैन, या फिर ये जो फिडल प्रैक्टिस थी या ठगी प्रथा थी ये किस गवर्नर जनरल के टेन्योर के दौरान हुई थी, ठीक है। और इसके बाद ये जो कर्नल स्लीमैन हैं इनके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए और इसको रिकॉग्नाइज करते हुए कटनी में एक सिटी बनाई गई जिसका नाम रखा गया स्लीमानाबाद इन कटनी, प्लीज याद रखना। इकोनॉमी के कुछ फैक्ट देखते हैं, जैसे कि कटनी के कैमूर जगह पे है एक ACC सीमेंट फैक्ट्री,
यहाँ पे एक पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री भी है कटनी में, और यहाँ पे लाइम यानी चूना को प्रोड्यूस किया जाता है। मध्य प्रदेश का जो चूना आता है वो कटनी से ही आता है। हिस्ट्री के फैक्ट कुछ ज्यादा ही है, जैसे कि कुछ जगहों के नाम याद रखना। भौरी बांध, भौरी बांध एक रिलीजियस और आर्कोलॉजिकल प्लेस है जो कि कटनी डिस्ट्रिक्ट में आती है। फिर है झिंझिरी, क्या है झीन झिरी, ये रॉक फॉरेस्ट है, मतलब यहाँ पे ये जो फॉरेस्ट है ना यहाँ पे पेंटिंग्स पाई जाती हैं, तो यहाँ पे 14 बिग स्टोन्स हैं जहाँ पे पेंटिंग्स हैं प्री हिस्टोरिक टाइम की, तो झिंझिरी के बारे में याद रखना, ये कटनी में आता है। फिर है बिलहरी, जो बिलहरी जगह है, बिलहरी जगह है उसका मेंशन आपको आईने अकबरी, मतलब अबुल फजल, जो आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखी है उसने इस जगह का नाम मेंशन किया है। और ये जो जगह है बिलहरी जगह है, यहाँ की कॉफी वगैरह बहुत फेमस है ऐसा कुछ माना जाता है। उसके अलावा अगली जगह है वो है तिगवन, तिगवन जो जगह है, तिगवन जगह यहाँ पे आल्हा और उड़ाल की फाइट हुई थी अगेंस्ट माधवगढ़। आल्हा और उड़ाल जो है वो ओरछा के फाइटर्स हैं, आल्हा और उड़ाल, ठीक है, आल्हा एंड उड़ाल ये ओरछा के फाइटर्स थे और इन्होंने माधवगढ़ के खिलाफ लड़ाई की थी तिगवन जगह पे। उसके अलावा यहाँ पे गुप्ता के समय, गुप्ता डायनेस्टी के समय के कुछ इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं ब्राह्मी लिपि में। ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि लिपि क्या होता है एक तरीके से स्क्रिप्ट, तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में यहाँ पे गुप्ता पीरियड के कुछ इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, जगह का नाम है तिगवन, तिगवन, ठीक है। उसके अलावा रूपनाथ, रूपनाथ जो जगह है वहां पे ये मौर्यन, मतलब जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे अशोका इंस्क्रिप्शन पाए जाते हैं, तो ये मौर्य के टाइम पीरियड की जगह है रूपनाथ, और यहाँ पे अशोका के इंस्क्रिप्शन मिलते हैं पाली लैंग्वेज में। पंचलिंगवी शिव प्रतिमा भी है यहाँ पे, पंचलिंगवी शिव प्रतिमा, और उसके अलावा यहाँ पे तीन कुंड है, रामकुंड, सीताकुंड एंड लक्ष्मण कुंड। ज्योग्राफी के कुछ और फैक्ट, जैसे कि यहाँ पे के नदी बहती है और यहाँ पे रेलवे जंक्शन है, रेलवे जंक्शन मुरबाड़ा में, ब्लॉक्स और तहसील ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, तो बहुत सारे फैक्ट हो गए, एक बार आपको रिवाइज करवाता हूँ। जैसे कि 1998 में जबलपुर डिस्ट्रिक्ट मार्बल सिटी लाइम सिटी इज कटनी, कमला जान का नाम जो इलेक्टेड मेयर है ट्रांसजेंडर है। सलीमाबाद जो कि सलीमैन ने फिडल प्रैक्टिस को एबोलिश करवाई थी। ACC सीमेंट फैक्ट्री, कोऑपरेटिव बेस्ड पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, और MP का जो चूना है वो कटनी से आता है। उसके अलावा शांतिनाथ जो एक तीर्थांकर है, जैन तीर्थांकर, उनका स्टैचू भी है यहाँ पे। तिगवन, रूपनाथ, बिलहारी, झिंझरी एंड भूरी बांध, के नदी, रेलवे जंक्शन मुरबारा, क्लियर है। उसके अलावा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है कटनी में। सारे फैक्टों को हम लिस्ट व्यू में देखते हैं, तो जैसे कि बताया मार्बल सिटी या लाइम सिटी, रेलवे जंक्शन मुरबारा, ACC सीमेंट फैक्ट्री इन कैमूर, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इन कटनी, कोऑपरेटिव बेस्ड पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री इन कटनी, जो MP का ज्यादातर चूना आता है वो कटनी से ही आता है। ये रहा मुड़वाड़ा रेलवे जंक्शन, ठीक है। उसके अलावा के नदी जो ओरिजिनेट या फ्लो करती है वो कटनी से ही करती है। उसके अलावा आपका हो गया सबसे पहली ट्रांसजेंडर मेयर जिनका नाम था कमला जान, ठीक है, उनका नाम क्या है कमला जान। उसके अलावा सलीमाबाद, ये देखिए सलीमानाबाद, और ये रहा ठग्स, ठग की प्रैक्टिस, तो इन पिक्चर से याद रखना जो कर्नल सलीमैन थे उन्होंने फिडल प्रैक्टिस यानी ये जो आपकी ठग प्रथा होती है उसको एबोलिश करवाया था। उसके अलावा भूरी बांध जो कि फेमस रिलीजियस एंड आर्कियोलॉजिकल प्लेस है, शांतिनाथ का 12 फीट का स्टैचू जो कि एक जैन का एक धर्म स्थल है वो भी यहाँ पे ही है कटनी में। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया बिलहरी या पुष्पावती सिटी, इसका मेंशन दीवाने अकबरी जो कि अबुल फजल ने लिखी है, और बिलहरी की जो पान और कॉफी है वो फेमस है उसको डिस्क्राइब किया अबुल फजल ने, पुष्पावती जैन तीर्थ स्थल। रूपनाथ जो मॉडर्न टाइम पीरियड की एक जगह है और जहाँ पे अशोका इंस्क्रिप्शन मिलते हैं पाली लैंग्वेज में, और तीन कुंड भी है, रामकुंड, सीताकुंड और लक्ष्मण कुंड। तिगवन है यहाँ पे जहाँ पे आला और उड़ाल ने लड़ाई की थी माधवगढ़ के खिलाफ, और यहाँ पे गुप्ता पीरियड के इंस्क्रिप्शन मिलते हैं ब्राह्मी लिपि में। झिंझिरी एक जगह है जहाँ पे कलरफुल पेंटेड 14 बिग स्टोन है जो कि प्री हिस्टोरिक टाइम के हैं, झिंझिरी रॉक फॉरेस्ट कटनी। और यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कटनी में क्या है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, मतलब जहाँ पे गोला बारूद बनता है। उसके अलावा कमला जान, उसके अलावा जो कमला जान है वो यहाँ की इलेक्टेड मेयर हैं, ठीक है, तो कमला जान इलेक्टेड मेयर, इसी के साथ वो देश की हमारी पहली ट्रांसजेंडर मेयर भी बनी थी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो दोस्तों इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ दैट एवरीवन ऑफ यू मस्ट हैव एंजॉयड एज वेल एज लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस लेक्चर। अगर स्टिल अगर आपको कहीं पे कोई क्वेरी आती है तो आप मुझे इस ईमेल आईडी या इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। योर एवरी क्वेरी और यू नो एनी डाउट विल बी एंटरटेन एंड विल बी रिजॉल्व।
उसके अलावा दोस्तों, अगर आपको लगता है ये लेक्चर आपके काम का है तो प्लीज इस लेक्चर को शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। उसके अलावा अभी भी अगर किसी भी फ्रेंड को प्राइवेट वीडियो, मॉक टेस्ट पेपर या पीडीएफ को एक्सेस करने में इशू हो रहा है तो दे कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दीज नंबर्स। आप लोग मॉक टेस्ट पेपर्स वगैरह की प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो यू कैन आस्क मी, और आपकी रिक्वेस्ट को जल्द से जल्द पूरा करने की मैं कोशिश करूंगा। आपके कोई भी सजेशंस को वेलकम करता हूं मैं, तो प्लीज आप अपने सजेशंस को कमेंट के थ्रू दे सकते हैं। नाउ एट लास्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सो पेशेंटली। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन तस्कदानिया।